सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने अस खुद नोटिस ले लिया है, लेकिन बहुत एहतराम के साथ, बहुत इज़्ज़त के साथ और 38 बरस के तजुर्बे के साथ मैं ये मुअद्दबाना याद कराना चाहती हूँ कि केस उतना ही मज़बूत या कमज़ोर होता है जो नीचे FIR काटी जाती है, और अगर वो नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ काटी गई तो फिर बहुत एहतराम के साथ, बहुत माजरत के साथ ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी हेल्पलेस हो जाएंगे उस FIR, अगर वो FIR खिश्त अव्वल टेढ़ी लगी ठीक तो इमारत कभी सीधी नहीं बन सकती। वो तो जो मीडिया में बहुत ज्यादा उनकी टेढ़ी बनेगी, वीडियो वायरल हुई, पहली बात तो ये है कि FIR को दुरुस्त किया जाए, ये मेरा पहला मुतालबा है। मेरा दूसरा मुतालबा है कि ये जिन तड़र साहब का, रफीक तरीन साहब माजरत के साथ, ये डिप्टी कमिश्नर हैं, इन्होंने बार बार हर चैनल पे आके कहा है कि मेरी दोस्ती है, मेरी जाती दोस्तियां हैं यहाँ पर। अच्छा, अब बहुत सारी चीज़ें हैं क़िसास और दियत के कानून के तहत, और यहाँ पे आपके पास कानूनदान मौजूद हैं तो मैं बैरिस्टर साहब के सामने मैं क्या बात करूँगी, वो एक अलग चीज़ है क़िसास और दियत, या मौत या ब्लड मनी कॉम्पेंस। उर्दू में इसके लिए बहुत सारी इस्तिलाहात इस्तेमाल होती हैं, सुलहनामा, मुआफ़ीनामा, राज़ीनामा, इकरारनामा, फ़ी सबीलल्लाह, बदले सुलह, 100 चीज़ें हो सकती हैं जिसका हमें कुछ अंदाज़ा नहीं है। तरीन साहब कुछ फरमा रहे हैं, ये जो ख़ानदान है शहीद साहब इंस्पेक्टर हाजी साहब का जी, उनके साथ मेरी दिली हमदर्दी, आप सबको मेरी तरफ़ से ताज़ियत पहुँचे, हमदर्दी पहुँचे और इज़हार यकजहती पहुँचे, लेकिन मैं हाथ जोड़कर आपके सामने ये इल्तिजा करती हूँ ख़ानदान से, हाजी साहब के ख़ानदान से, कि खुदारा आप समझौता ना कर लीजिएगा, खुदारा ना कर लीजिएगा।